हेलो केविन, हाउ आर यू? आर यू फाइन? हेलो सर. यस सर, आई एम फाइन. हाउ आर यू सर? आई एम आल्सो फाइन. सो बेटा, स्टार्ट डूइंग डू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यूजिंग द फॉर्मूला. फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस टू दिस वन. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी. डू दिस थ्री क्वेश्चंस एंड टेल मी द आंसर्स. ऑलराइट सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सो डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड यूजिंग द फॉर्मूला. डू दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. डू दिस क्वेश्चन. ओके ओके सर. अनिश का गॉट योर आंसर फर्स्ट? यस सर. ओके, टेक्स्ट मी. What's your answer? A, B, C, or D? It's D 28. 28. Okay. Okay. Do the second one. Got the answer of second one? Sir, I'm doing it. Okay. So our second one is B. Okay, the second one is B. B. That is 3.5. Yeah, D is 0, then we can see that its 101 terms will be same. If the common difference is 0, then it will be same. So, कोई सी भी टर्म आप बोलोगे वो वही टर्म रहेगी अगर डी जीरो है तो. ओके, नेक्स्ट. Okay. So I got B. You got the third question. First one I got D. Third is D. First one. First one is D. B, B, B. Okay. The second one is because the common difference is zero here, you can consider it as this will be the same. If you first term, if I'm saying that the common difference is zero, so that in AP will remain same. 2, 2, 2, 2, comma. Is tarah se rahegi. So agar iski first term 3.5 hai, so you can simply say that it will be 3.5 then 3.5 then 3.5. तो इसकी कोई सी भी टर्म आप बोलोगे, if it is one 100 one term भी अगर होगी तो
वो भी वही हो जाएगा. ये सिंपल आप बोल सकते हो कि 100 टर्म ए एन इज इक्वल टू 100 टर्म क्या होगी, ए प्लस 100 डी एंड हियर यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ डी दैट इज जीरो, सो दिस विल बिकम जीरो, सो ए एन टर्म इज इक्वल टू ए. ओके सो वी कैन सिंपली राइट दिस वन. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द लिस्ट द नंबर्स हियर. द यूसुफ इज सेइंग द ऑप्शन इज बी सर सी and Tanishka is saying C. Okay. D तो बेटा Tanishka इसमें C तो नहीं होगा क्योंकि ये आपको दिख भी रहा है कि ये positive की तरफ जा रहा है तो common difference positive ही होगा. Okay. So you value subtract 6 minus minus 10. You will get मतलब ये बात second term minus first term हम लोग करेंगे. Okay. Then you will get here that minus 6 plus 10 you will get plus 4. Okay. So this is an अब ये चेक करना कि यार क्या ये एपी है, अभी तक तो ये एपी है, तो यस इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव. ओके गॉट इट बेटा, समझ आया? यस सर. यस सर. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी वर डूइंग फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके लेट्स चेक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इफ देयर इज, देन आई विल बी गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट्स. Calculate the common difference. Do question number 10. What is the common difference if it is being given to you that 18 term minus 14 term is 32? What is the common difference? 18 term, question number 10. Do question number 10. Oh, hello, sir. Are you talking? Oh, my mic was mute. Okay. Okay. So if I'm writing here, कि कभी भी आपको इस तरह का question हो, जिसमें आपको दो term आपको given हो और उनका difference आपको given हो और आपसे बोला जाए d निकालिए, calculate कीजिए. तो simple आप जो दो term हैं, उनका difference, यानी n को minus कर दीजिए, यानी 18 minus 14 minus कर दीजिए,
आएगा आपके पास फोर 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 डी इज इक्वल टू आप 32 या जो भी आपको डिफरेंस दे रखा है इक्वेट कर दीजिए, डी विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर आप, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि 18, 14, यहाँ पे तो 17 और 13 को माइनस करना है, तो बेटा 17 और 13 को जब हम लोग दो इक्वेशन को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैं इन दो इक्वेशन को माइनस करूंगा, मतलब इक्वेट करूंगा, तो आई विल बी राइटिंग हियर ए प्लस 17 डी माइनस देन ए प्लस 13 डी इज इक्वल टू 32, 32. तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप 17 में से 13 को माइनस करोगे तभी भी 4 आएगा, और 18 में से 14 को माइनस करोगे तभी भी 4 आएगा. सो हम लोग को ओके, सो उस कंडीशन में बेटा, उस कंडीशन में आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है टर्म को, और फिर मतलब डी के साथ, और फिर उसको डिवाइड कर देना है उस नंबर से, आपको जो भी आपको दिया होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर. तो यहां पर ए प्लस 17 डी माइनस ए देन माइनस 13 डी इज इक्वल टू 32, ए ए विल कैंसिल आउट, ओके हियर इज पॉजिटिव, एंड यू विल गेट हियर 14 डी, 4 डी इज इक्वल टू 32, देन यू विल गेट डी इज इक्वल टू 8. सो इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टर्म में से माइनस कीजिए, और यानी कि 18 टर्म माइनस 14 टर्म यू विल गेट 32, मतलब डायरेक्ट आ जाएगा आंसर. जैसे आप मुझे ऊपर वाले में बताइए फटाफट से इसमें क्या आंसर होगा, बिना सॉल्व करे डायरेक्ट बताइए इसमें मुझे क्या आंसर होगा. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 5, अगर यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस दे ही रखा है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि एपी क्या होगा, तो यहाँ पर तो आप देन व्हाट इज, अगर कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है तो यहाँ तो आप कर लोगे कि कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास है तो ये आपसे पूछा गया है एक्चुअली में. सो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कि आप कैसे, अभी आपने निकाला कि डी आपको 5 गिवन है, तो 18 माइनस 13 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 5 इंटू 5 यू विल गेट, मैंने आपको बताया था ना कि दो टर्म में से जो भी आपको डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है या 13 दे रखा है, तो आपने पहले क्या किया था, 18 माइनस 13 किया था. सो इसी तरह से आप यहाँ पर 18 माइनस 13 कीजिए, यहाँ पर 18 माइनस 14 किया था आपने, 18 माइनस 13 इज इक्वल टू डी, अगर डी दे रखा है तो उससे इक्वेट कर दीजिए, अगर डी नहीं दे रखा है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 5, और डी आपको 5 ही दे रखा है, तो यू विल राइट हियर दैट वुड बी 25. ओके समझ आया? Got it, sir. समझ आया? कैसे बोल सकते हो? Yes, sir, can you repeat? Yes, 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 why not? बेटा देखो, एक्चुअली में डी क्या है, द डिफरेंस ऑफ द टर्म. आप ये वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इससे आप समझ जाएंगे. 18 टर्म माइनस 14 टर्म आप कैसे लिखेंगे, 18 टर्म इज ए प्लस 17 डी एंड 14 टर्म इज ए प्लस 13 डी, यहाँ पर एक माइनस करके लिखते हैं ना, एन माइनस वन. अब 17 में से 13 को माइनस करूं या 18 में से 14 को माइनस करूं, बात एक ही है, 4 ही आएगा. इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 17 माइनस 13 देन यू विल गेट 4, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 18 माइनस 14 देन इट इज 4. सो उससे अच्छा है कि आपने फिर इसको ऐसे माइनस करेंगे, ये 18 टर्म है, ये 14 टर्म है, इन दोनों को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट ए ए विल गेट कैंसिल्ड आउट, और फिर यहाँ पर आप लिख देंगे 17 डी माइनस 13 डी, यू विल गेट 4 डी, 4 डी इज इक्वल टू 32, देन यू कट इट एंड यू विल गेट 4 8 जा 8 4 जा अरे यार यार 4 यहाँ पर 8 आंसर आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे द आंसर वुड बी पॉजिटिव, 8 4 जा 32 होता है ना, ए ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, नीचे वाले के लिए ए होगा हमारा करेक्ट आंसर. ओके 8 4 8 जा 32. ओके अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना होगा, यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे कि ये आपको दे रखा है, तो पहले आप a प्लस 17 डी लिखेंगे, फिर a माइनस करेंगे उसमें से, माइनस करेंगे आप उसमें से a प्लस 12 डी, फिर इसको इतना अच्छा 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इससे अच्छा आप डायरेक्टली यहाँ पर जो टर्म दे रखी ना n2 माइनस n1 इंटू डी, ये आपके लिए फॉर्मूला समझ लीजिए कि जो भी डिफरेंस दे रखा है आपको, जो आपको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है. पहली वाली को हम हमेशा फर्स्ट मानते हैं, मतलब जो शॉर्टर वाली होती है उसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं, जो बड़ी टर्म होती है उसको हम लोग सेकेंड कंसिडर करते हैं. सो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला निकाले कि n2 माइनस n1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने का, ये आपको डी दे देगा, डी दे देगा. तो यहाँ पर आप 18 माइनस माइनस यानी कि 18 माइनस इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, दैट वुड बी दी 13, ओके इंटू डी, तो डी अगर आप इसमें दे देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा. डी की वैल्यू आपने पुट कर दी, दैट इज 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है.
अब सपोज कीजिए कि आपको इसी क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन की तरह ये होता, इस बार इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है, तो अगर डिफरेंस दिया होता, डी पूछा होता, तो आप डिफरेंस को इक्वेट कर देते हैं यहाँ पर, फिर आप ये वैल्यू को डिवाइड कर देते नीचे, मतलब माइनस करने के बाद, जैसे अभी हम लोग ने किया यहाँ पे 18 - 14 ठीक है इनटू डी इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, सो यू विल गेट 18 - 14 यू विल गेट 4, 4d इज इक्वल टू 32, तो डी आ जाएगा, अगर डी दे रखा है तो डिफरेंस आ जाएगा, समझ आया? यस सर, गॉट इट केविन? केविन बेटा समझ आया? पिछले वाला स्टेप फिर से बोल सकते हो? हम्म, ये पिछला वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये ये n minus n2 minus n1, n2 minus n1 मतलब n2 मतलब बड़ा वाला नंबर, n1 मतलब पहला वाला नंबर, जो बड़ा बड़ी टर्म होती है उसको हम लोग n2 कंसीडर कर लेते हैं, और n1 मतलब जो छोटी वाली टर्म है, जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे किस बताइए किसी एक एपी में अगर 15th term minus 10th term बताइए कितना होगा, अगर उस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको 15 दे रखा है, सपोज कीजिए कि एक 15 टर्म माइनस 10 टर्म बताइए कितना होगा, अगर आपको डी की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 15, तो आप कुछ नहीं करना, आपको सेकंड टर्म हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास बड़ी वाली टर्म को हम लोग टी टू एन टू कंसिडर कर लेते हैं, या 15 माइनस 10 डायरेक्ट करिए ठीक है इन टू डी, डी की वैल्यू 15 है तो 15 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये दिस विल गिव्स यू 5 × 15 यू विल गेट 5 × 15 यू गेट 75, तो 75 द कॉमन डिफरेंस, समझ आया? सॉरी डिफरेंस आ जाएगा इन दो टर्म का, अगर 15 टर्म में से आप 10 टर्म को माइनस करेंगे यू विल गेट दिस वन, तो यहां पर 15 मैंने क्या है, 15 इज मैंने उसको n2 कंसीडर किया है, और n1 मैंने इसको कंसीडर, छोटी वाली टर्म को मैंने n1 कंसीडर कर लिया और बड़ी वाली टर्म को मैंने n2 कंसीडर कर लिया, समझ आया? यस सर, समझ आया? यस ओके, लेट्स मूव फर्दर, अब देखते हैं, चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं और जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहां तक किया था कि चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, अगर एन की वैल्यू हमारे पास पूरी कंप्लीट आई थी तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे कि है, और नहीं ही आई थी डेसिमल्स में आई थी तो हम लोग बोल देंगे कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st टर्म, आपको 31st टर्म बतानी है, यू नीड टू फाइंड आउट द 31st टर्म, यानी a प्लस 30d आपको बताना है कितना होगा, 31st टर्म किसी भी एपी का कितना होगा, a प्लस 30d, whose 11th टर्म एंड 38th टर्म, सॉरी 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज एक्चुअली, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो बेटा, बताइए कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे इसे, यहाँ पर कह रहा है कि 11th टर्म आपको 38 गिवन है और 16th टर्म यानी a 16th टर्म आपको कितना गिवन है, 73 ठीक है, तो आप इन दोनों एपी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, d कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप लिख लीजिए 16 - 11 × d इज इक्वल टू, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अभी जो फॉर्मूला सिखाया उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं ना, ये 16 - 11 यानी n2 - n1 × d इज इक्वल्स टू 17 - 73 - 38 कर सकते हैं, या आपने 16 टर्म को में से 11 टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई है बेटा, बताइए जल्दी से, 16 - 11 हाउ मच यू विल गेट, 5 5d इज इक्वल्स टू यहां पर कितना आएगा, 13 - 8 यू विल गेट 5 and here you will get 5 - 6 you will get 35, d is equals to 7 आ जाएगा आपका, तो इस AP का 7, अभी आपको इसका A नहीं पता है, तो A निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि A plus 10D आपको कितना given है, 11th term आपको given है, D आपने calculate कर लिया, 11th term किसी भी AP का क्या होगा, A plus 10D होगा, किसी भी AP का 11th term a plus 10d होगा, n minus 1 करेंगे तो 10d आ जाएगा, so यहाँ पर 11th term आपको 38 दे रखा है, तो रख दीजिए 38, a plus 10 कितना होगा, यानी कि 70, यानी कि आप इसको कर लीजिए ऐसे, 10 into d की वैल्यू आपने 7 कैलकुलेट की है तो 70 हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि a is equals to ये 70 जब उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 70 नेगेटिव 70 हो जाएगा, तो यू कैन राइट इट
38 minus 70. Now subtract कर दीजिए 70 minus 38. What you will get? कितना आएगा? यहाँ पर आप calculate करेंगे 2, then यहाँ पर 6, and then 32. Minus of 32 is the first term for this AP. इस AP के लिए minus 32 first term है. So आपको कौन सी टर्म लिखानी है? आपको लिखानी है 31st टर्म, यानी a plus 30d आपको calculate करना है. a आपने minus 32 calculate कर लिया, d आपने ऐसे calculate कर लिया. दोनों की values को put कर दीजिए, minus 32 plus 30 into d is 7. You will get here minus of 32 plus 7, 3 is 21. एक zero लग जाएगा आगे. That is 210. अब 210 में से 32 को minus करोगे तो you will get 210 में से 32 को माइनस करेंगे, यू विल गेट 8, देन 0, देन 7, 178. ओके, तो पॉजिटिव 178 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा. समझ में आया कि मैं इसे दोबारा करूं? शुड आई डू इट अगेन सर? ये A11 is equal to A plus 10D फिर से बोल सकते हो? थोड़ा तेज. एक मिनट में हेडफोन कनेक्ट कर लेता तो अभी मुझे तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर आने जाएगी. ओके, नाउ बेटा अब बोलो, अब क्या कह रहे थे? ये A11 is equal to A plus 10D. बोलो बेटा. देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इलेवेंथ टर्म आपको और 38 टर्म आपको गिवन है. 11th टर्म आपको 38 गिवन है, A11 is 38. A16 टर्म यानी 16th टर्म आपको गिवन है 73. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोनों का. अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी कि आप बड़ी वाले टर्म में से छोटी वाले टर्म को माइनस कीजिए तो उनका डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए और डी से रखिए. यानी एन टू 16 माइनस एन वन इंटू डी इज इक्वल टू, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है आप इक्वेट कर दीजिए. तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 16 माइनस 11 विल गेट 5, डी इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 38 माइनस 73 विल गेट 35. यू कट इट एंड यू विल गेट डी इज इक्वल टू 7. आपके पास डी 7 आ जाएगा. जब डी 7 आ जाएगा अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अभी ए और चाहिए क्योंकि इसमें आपको 31st टर्म कैलकुलेट करनी है. 31st टर्म के लिए आपको ए भी चाहिए और साथ में उसके डी भी चाहिए. डी आपने कैलकुलेट कर लिया है बट यू हैव नॉट कैलकुलेटेड द ए. सो अब ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फिर से आप जो हमारी इक्वेशन थी कि ए प्लस 11d इसमें गिवन है, ए प्लस 11d इज इक्वल टू 38, सॉरी ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10d हम मान लेंगे. और 11 टर्म आपको 38 गिवन है तो यहाँ पे लिख दीजिए 38, फिर इज इक्वल टू ए प्लस 10 और d की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए 70. दिस 70 विल गोस टू दैट साइड एंड विल गेट सबट्रैक्टेड. जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32. देन प्लेस दिस वैल्यू ऑफ a माइनस ऑफ 32 हियर एंड 30 एंड देन प्लेस दिस वैल्यू ऑफ 7 हियर एंड यू विल गेट माइनस 32 प्लस 210 एंड देन व्हेन यू ऐड दिस टू माइनस 32 प्लस 210 यू विल गेट प्लस ऑफ 178. गॉट इट? Yes, sir. Is there any doubt? No, sir. Okay. Moving further. Let's move. So this is done. So everyone understood? Is there any student who didn't understood the concept? Tanishka? So I understood. Yusuf? I understood. So moving to the next part is if I'm considering here that if the third and the ninth term of an AP is given to you respectively this and this, third term is third term and the ninth term of AP is this and this, which term of AP is zero when this type of questions is asked? So this is simple, that you need to calculate the value of that at which place the zero is will be coming. So, अभी हम 8 नहीं किया ना, 8 क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर इस पर आएंगे. सो इफ आई एम टेकिंग हियर दैट एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, देयर आर 50 टर्म्स, मींस द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 50th टर्म
okay, 58 terms. And the third term is 12, and its last term means its 58th term is 106, then its 29th term. ये question हम लोग discuss कर चुके थे शायद से कि नहीं. चलिए मुझे बताइए क्या कैसे करेंगे इसको solve. फिर से वैसे ही आपको given है, the same as we have done, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है कि third term आपको 12 है, यानी third term किसी भी AP का क्या होगा, ये third term A plus 2D होगा कि A plus 3D होगा, बताइए Kevin. The third term of an AP will be A plus 3D or A plus 2D? Hello, Kevin. 2D. 2D. A plus 2D. Okay. And it is being given that it is 12. And the last term, because this AP consists of 50 terms, so we can say that A 50 is equals to A plus 49D. And its value is 106. Calculate the common difference. What would be the common difference? Tell me. What would be the common difference? Two. The common difference is two. Common difference is two, na? So how can you say that? This one, n two minus n one into d is equal to difference of these two terms. Okay, that is, if I am considering, this will be a n n two minus a n one. आप इसको ऐसे consider कर सकते हैं. A n two मतलब जो term होगी. A n two हमारे पास क्या है? That is 50. 50 minus 3 is equals to 106 minus 12. 106 minus 12. So 50 minus 3, you will get 47D is equals to, when you subtract this one, you will get 4 and then 9. Okay, 94. So here you find that D is equals to 94 divided by 47, and it will be exactly 2. D is 2 for this one. And now calculate the value of A. So please calculate the value of A by putting the value as 2 in this equation. D ki value 2 put karke A ke value calculate kijiye. Fatafat se calculate kijiye. So 104. Hmm. 104. 104. A is 104. A is 104. Or 29 term is 104. Okay, okay. I found 49. So this one you have to write here that A plus 2 into 2. D is 2. You have calculated D is 2. Is equals to 12. Then you can write it simply. This will be 4, and then 4 will subtract it to this one. You will get A is equals to 8. The first term is 8 and D is 2. D is 2 here. Okay. Are you getting my point? Yeah, main isko ekdam fair copy pe, matlab fair page pe karu, ekdam blank page pe. Should I do this? Sir, it's okay. It's understandable. Okay.
सो आपने निकाला ए फिफ्टी, आपको इतना गिवन था, ए प्लस 49 इसकी वैल्यू दी थी। मैंने आपको बताया कि n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 106 माइनस 12 कर दीजिए, जो भी टर्म्स आपको गिवन है, d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपने, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द a। अब आपको 29 टर्म निकालनी है, तो 29 टर्म क्या होगी किसी भी ap की, दैट वुड बी a प्लस 28t। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 4, एंड 28 इनटू 49, सॉरी 28 you have calculated a as 8 plus 28 into d is 2, ab ye solve kar 64 kitna 64 yes 29 okay this will be 64 so is tarah se aap calculate kar sakte hain na। ab hum log chalte hain next question par, how many three digit number is divisible by 7, how many three digit number is divisible by 7, this is an important question and let's do this one in a rough page, okay। So if we are considering here, okay, find the three digit number, na three digit tha ki two digit tha, find the three digit number that is divisible by 7। सबसे पहले हम लोग को three digit number बताना है जो कि divisible हो 3 से। So you know that कि three digit number start होते हैं 100 से। The first three digit number, this is the first three digit number, and this is the last, that is 999 is the last three digit number. But these numbers are not exactly divisible by 7. These are not divisible by 7. So first of all, what we need to do here is we need to find out the first three digit number that is divisible by 7, and second one is the last three digit number that is exactly divisible by 7. So beta, isme thoda sa ek aasan sa bahut hi simple sa concept hai aur aap isko bahut aasani se samajh sakte hain, dhyan se samajhiyega। Sabse pehle aap kya karenge, you will divide the 100 with 7, 7 ones are 7, okay, fir 3 and then it will come 0, okay, then it will come 0, 3, and then you will get here 4, 7 4s are 28, and then it is 2 is the remainder, okay। ab beta agar main bolta hu, dhyan samajhna meri baat, ye 2 jo remainder hai iska matlab ye hai ki ye 100 ko agar main 7 se divide karta hu to mere paas 2 remainder yani bach jata hai, iska matlab ye hai ki agar main isko 2 se subtract kar du, यानी ये 2 सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। यानी अगर मैं इसको 98 को डिवाइड करता सो देन इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, क्योंकि मेरा यहां पर 28 आ जाता, फिर आई वुड हैव गॉट द 28। जैसे 7 वन जा 7 देन 2 एंड देन 8, यू विल गेट 7 4 जा 28, अब कोई नहीं बचता, तो जो रिमाइंडर बचा वो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। लेकिन मैं, मुझे ये तो पता है कि 98 is that number that is exactly divisible by 7, लेकिन मैंने 2 subtract करने पर मेरे से एक चीज, मेरी जो criteria है जो मुझे fulfill हमेशा करना है वो ये है कि ये जो number है 98, it is not a three digit number, it is a two digit number। तो इसका मतलब क्या है कि 100 98 है हमारे पास, ये 7 से exactly divisible है, 100 में मेरे पास 2 remainder बचता है, it is exactly divisible। जब 98 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 98 को 7 से डिवाइड करते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। और जब हम लोग 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, देन वी गेट द रिमाइंडर एज 2। इसका मतलब ये जो नंबर है 100, ये कितना कम है उस थ्री डिजिट नंबर से, यानी उस नेक्स्ट नंबर से जिससे जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है कि अगर इसमें आप 5 और ऐड कर दें, 7 ऐड कर दें, तो क्योंकि 2 तो है, क्योंकि 98 हमारे पास एक नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से, तो फिर उसके बाद 99 आया, 100 आया, यानी 2 एक्स्ट्रा है। सो अगर हम इसमें 5 और ऐड कर दें, देन इट विल बिकम 105, एंड दिस इज द नेक्स्ट नंबर दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, ओके, गॉट इट। सो जब हमारे पास, हम लोग को नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा जो हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे से बोल दिया जाए कि 275 मेरे पास एक नंबर है, ओके, और आपसे बोल दिया जाए कि मुझे नेक्स्ट नंबर बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 3 से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, एकदम एग्जैक्टली डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा दैट वुड बी दी 0, एंड देन आई विल गेट 5 हियर, देन आई विल गेट हियर 2, सॉरी 1,
I will write here 1, 3, 1, 3, then I will getting the remainder as 2. So इसमें 2 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 पहले से ही added है, बस आप 3 से divide करने के लिए उसमें 1 और add कर दीजिए, then it will be exactly divided by 3. कि यानी कि 276 वो number होगा, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका पहले से इसमें है, आपको कितना कम पड़ रहा है कि ये exactly divisible हो जाए, तो that is 1, क्योंकि 2 में 1 add कर देंगे, you will get 3. So first number अगर हमारा 100 है, so second number मेरे, जब मैंने इसको divide किया, I get the remainder as 2. तो मुझे कितना नंबर और ऐड करना पड़ेगा जो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 7 से, तो पता है कि 2 में 5 ऐड करते हैं तो यू विल गेट 7. इसका मतलब हुआ कि 105 इज दैट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. ओके, 99 में बहुत आसान है कि आप 999 में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 99 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको ये भी एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल नहीं होगा. तो आप कंसिडर कीजिए 7 1 7, देन इट विल बी 2 एंड देन इट विल बी 9. Then 7 4s are 28, then 1, and then 9, then 7 2s are 14, okay, and then it will be 5. अब आपको पता है कि 5 इसमें extra है. अगर आप 5 इसको subtract कर दे, यानी 99 में से अगर आप 5 subtract कर देते, यानी 5 number ही extra नहीं होता, तो आपका remainder 0 होता. तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें से 5 को subtract कर देंगे, तो इससे पहला जो number, यानी 5 subtract करने के बाद जो number आएगा, that would be exactly, yani 994 is that number that is exactly divisible by 7. Subtract karne par ye is still 3 digit number rahega. Aur isse agla wala number puchu ki wo agla number kaun sa hoga jo isse exactly divisible hoga 7 se. To yahan par 5 bach raha hai, to isme aap 2 aur add kar diye, yani 1001. Theek hai, 1001 ye wo number hoga jo ki 1001 4 digit na. Ha, तो ये वो नंबर होगा जिसमें आप, क्योंकि आपको 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो सिर्फ इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा. आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए. 7 1 7 एंड देन 3 देन 0 30 7 4 28 देन 2 एंड 1 देन 7, ये पूरा 147 टाइम्स कट जाएगा. लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने ऐड किया आप 4 डिजिट में पहुंच गए. तो सिंपल आपको ये रूल पता होना चाहिए कि आपको कब ऐड करना है, कब सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो हम लोगों ने वो नंबर निकाल लिया कि 105 वो नंबर है जो एक्जैक्टली exactly, पहला छोटा नंबर है जो एक्जैक्टली 3 डिजिट का, इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. एंड उसके बाद हमारे पास 994 इज दैट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है, इसके बाद जो भी अगला नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो 4 डिजिट में जाएगा, इट विल बी नॉट इन द 3 डिजिट. सो मान लेते हैं कि हमारा लास्ट नंबर है, तो मैं मान लेता हूं कि दैट इज n. an की वैल्यू आपको 994 गिवन है, ये लास्ट नंबर है. ठीक है, और a आपको 105 है, यानी ये kp कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 105 है, देन इसमें 7 ऐड कर लेंगे तो दिस विल बी 12, 1012 देन 119 एंड सो ऑन, करते करते आपको यहां तक पहुंचना है. तो ये बताना है आपको ये कौन से नंबर की टर्म है, आप वही नंबर की टर्म बता देंगे तो उतनी ही इसमें टर्म होंगी. ओके, तो n आपको ये गिवन है, a आपको 105 गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 ही होगा, क्योंकि सब सक्सेसिव नंबर जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है 7 होगा. सो आप मुझे बताइए कितना n की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n. किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकता है कि सर कैसे हुआ, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा.
So 128th term. Okay, 128 terms will be there. Okay. So an is equals to a plus n minus 1 into d होता है. Kevin ये लिखा सबने, सबने formula निकाला, सभी का ये value आया 128. I'm still solving. Still solving. Tanishka. So the same value. The same value. Okay. Okay. So if we are having this one, so you can write here that is an is equals to 105 is equals to a, what is your first term? Sorry, no, an is equals to 994 is equals to a. A aapka kya hai? 105 plus n minus 1, n minus 1 into d is 7. Okay. अब आप क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए 994, ठीक है, और वन जीरो फाइव इज इक्वल्स टू सेवन ब्रैकेट एन माइनस वन. तो पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 994 को 105 से, यू विल गेट 9 एंड देन 8, सॉरी 889 is equals to 7 bracket n minus 1. Ye 7 niche aa jayega divide karne, and you will get here that it will be 889 divided by 7 is equals to n minus 1. 7 ones are 7, then 1, 18, 7 2s are 14, then 4, 7 7s are 49, 127. So n minus 1 is equals to 127. This one will go to that side and get add up. You will get n is equals to 128. Got it? Got it or still having some doubt? Sir, clear. Sir, clear. Okay. Yes, I understood. Okay, moving the next one is. Now do this one. The multiple of 4 that lies between. Do this question. This is similar to above one. Do this one.
डन बेटा, सिंपल है. तो मल्टीपल ऑफ 4 दैट लाइज बिटवीन 10 एंड 250. सर मेरा आंसर डेसिमल में आया है. सर माय आंसर इज 60. ओके लेट्स चेक. हां ओके लेट्स चेक. सो आपको पता है कि फिर से पहला नंबर तो पता ही है ना, 10 को मैं तो कर ही नहीं रहा हूं. 10 के बाद 10 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 4, तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 मतलब जो 4 का मल्टीपल हो, तो पहला नंबर 12 हो जाएगा. और 250 भी इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, दैट इज 248. अब ये कैसे आया? इसमें मैंने बताया था कि 10 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 4 2 इज 8 देन 2. यहां पर 2 एक्स्ट्रा है इस 10 में, इससे पहला जो नंबर होगा वो अगर उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 8 से डिविजिबल आ जाएगा. तो अब क्या ऐड करें जो ये 4 हो जाए? तो जाहिर सी बात है इसमें 2 ही ऐड करना पड़ेगा, नहीं 12 आ गया. इसी तरह से 250 को आपने 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यू विल गेट 4 वंस 4 6 आर 24 देन 1 एंड देन हियर यू फाइंड इज 0 देन 4 2 आर 8 एंड हियर यू फाइंड इट एज इज एट 10 एंड 2. यानी कि यहां पर 2 एक्स्ट्रा आएगा, इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आप जो नंबर आएगा, क्योंकि इससे आगे तो जा नहीं सकते आप, इतनी आपकी लिमिट है. सो यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस वन एंड यू विल गेट योर आंसर. सो हियर योर फर्स्ट टर्म इज दिस ए एंड दिस इज योर लास्ट टर्म और ए एन टर्म. एंड यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन ओनली. एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. बहुत ही सिंपल हो गया है तो भाई. सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 4 ही होगा आपका. ए एन आपको 248 गिवन है, सो इसमें से आप पहले 12 को माइनस कर दीजिए, ठीक है. सो यू विल गेट 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन 4 एंड देन यू डिवाइड दिस बाय 4. तो 236 डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 4 5 जाए 20 एंड देन 4 9 जाए 36. एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 59. 59, then you can write here n is equals to 60. Got it? समझ आया? जी. Okay. एक और last question करते हैं. Here we have एक हमारे पास क्वेश्चन होता है कि आपको लास्ट से कंसीडर करना है. नहीं, कोई एक एपी है, ओके, और ये लास्ट से आपको बताना होगा. जैसे सपोज कीजिए कि ये एक एपी लिखा हुआ है 3 देन 8 देन 13 एंड देन 2 सो ऑन करते इट रीचेस टू दी दैट इज 253 पर पहुंचा है. अब आपको अगर आप इसको मान लें कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो ऐसे करते हुए पीछे की तरफ जाना है आपको. आपको दिख रहा है कि इसमें डिफरेंस 5 का है, ठीक है. सो इसमें से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट हियर 248 एंड देन यू विल गेट हियर 243. ऐसे मूव करेंगे पीछे की तरफ, तो आपको 20th टर्म बतानी है पीछे से, मींस 28th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ दिस एपी, ठीक है. अब इसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं. हम लोग इस एपी को कंसिडर कर लेते हैं कि ये एपी कुछ इस तरह से मूव कर रही है. ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. इस तरह से हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, ओके. अगर हम लोग किस तरह से इसको कंसीडर करते हैं, सो एक्चुअली मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होगा कि नहीं होगा, बताइए. अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये जो वैल्यू होगी दैट वुड बी द फर्स्ट टर्म. इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि ये मैं ऐसे पीछे की तरफ, मतलब एपी तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना. आप मान लीजिए कि 53 है, देन उसके बाद 48 है, 48 एंड देन इट विल बी 43 एंड सो ऑन करते हुए ये 3 तक पहुंच रहा है. तो आप इस एपी को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस वे, जिसमें आप इसको मानेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है. इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी माइनस ऑफ फाइव डी. इसमें डी को माइनस ऑफ 5 कंसिडर कर लीजिए. ए एन आपको बताना है
यानी ए ट्वेंटी आपको बताना है एक्चुअल में, यू हैव टू टेल ए ट्वेंटी टर्म, यानी इस एपी को इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो आपको ए ट्वेंटी टर्म बताना है. ओके देन उस कंडीशन में अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ओके सो अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ और इसी के टर्म में मैं लिखता हूँ. तो एक्चुअली मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरे को ए ट्वेंटी बताना है, ए ट्वेंटी मेरे को बताना है. ओके आई हैव टू टेल, और ए प्लस एन को मैं मान लेता हूँ दैट इज ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी. ठीक है, अब जरा समझिएगा ध्यान से. ए ट्वेंटी मेरे को बताना है, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास इस टर्म का फर्स्ट टर्म है, लेकिन इस एपी का क्या है बेटा, लास्ट टर्म है, इस एपी का लास्ट टर्म है. ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि लास्ट से 20 टर्म ए ए एन यानी स्टार्टिंग से 20 टर्म को मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से ये लास्ट से मान दूंगा, लास्ट 20 टर्म विल बी इक्वल टू ए, इस एपी का, इस एपी का फर्स्ट टर्म मेरा 253 है, लेकिन एक्चुअल में इस एपी का क्या है बेटा, दैट इज एक्चुअली लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए एन, या आप लास्ट टर्म भी मान सकते हो कि लास्ट टर्म. ठीक है, प्लस प्लस एन माइनस वन होगा, एन माइनस वन. ओके, अब आप एक चीज समझिए ध्यान से कि आपके पास जो भी डी होगा यहाँ पर, ऐसे जाने में अगर आपके पास डी पॉजिटिव है तो ऐसे आने में आपको डी नेगेटिव मानना, कंसिडर करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू कंसिडर दिस डी एज नेगेटिव. इसमें अगर प्लस फाइव है तो उसमें आपने माइनस फाइव माना है. सो डी का आप साइन चेंज करेंगे, इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर जो प्लस साइन है उसको रिवर्स कर दीजिए, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. सो आप इसको क्या कर लीजिए, आप डी की वैल्यू वही कंसिडर कीजिए जो आपकी थी पहले, वही वैल्यू डी की कंसिडर कीजिए, प्लस प्लस ही रखिए, लेकिन यहाँ पर जो साइन है इसको आप चेंज करके माइनस कर दीजिए, एन माइनस वन इंटू डी हो गया, फॉर्मूला जनरेट कर लिया हम लोगों ने. लास्ट टर्म से अगर आपको कंसिडर करना होगा सो यहाँ पर बस आपको लास्ट टर्म लिखनी होगी, ए की जगह पर आपको लास्ट टर्म लिखनी होगी, n माइनस वन इंटू डी होता है, यहाँ पर आपको माइनस प्लस की जगह पर माइनस करना होगा. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एपी का लास्ट से निकालते हैं, पीछे से करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. लास्ट से अगर आप करेंगे, लास्ट 20th टर्म किसी भी एपी का निकालना है, या लास्ट ln मान लेता हूँ लास्ट से, तो मैं लिख देता हूँ लास्ट टर्म यहाँ पर प्लस होगा तो उसकी जगह पर एन माइनस वन इंटू डी, यानी लास्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे एल इज लास्ट टर्म, एन माइनस वन इंटू डी. अब आपको ठीक है यहाँ पर कि आपको लास्ट 28 टर्म निकालना है, सो यू कैन राइट इट लास्ट 28 टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज 253 माइनस एन इज 20 माइनस वन इंटू डी इज 5. इसी एपी का 5 पॉजिटिव 5 कंसिडर कीजिए उसको. ओके, क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया तो अब आपको उल्टा रखने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड. सो ये लास्ट से निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा बेटा, दैट इट विल बी ए ट्वेंटी इज इक्वल टू 253 माइनस, एंड दिस विल बी 19 इंटू 5, कितना होगा बेटा बोलिए, 95 आप कर दीजिए. सो व्हेन यू सबट्रैक्ट दी 253 में से आप 95 को सबट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 13 माइनस 5 यू विल गेट 8, एंड देन 4 माइनस 9 4 तो सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, देन 14 तो मान यहां पे आ जाएगा, 14 माइनस 9 यू विल गेट 5 158. So, A 20th from the last will be 158 term of the city. समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. So, बस आपको कुछ नहीं करना होगा, वही फॉर्मूला है, जहां पर प्लस होगा वहां पर आपको माइनस कर देना है, फर्स्ट टर्म की जगह पर आप लास्ट टर्म रखिए, और बस कुछ भी नहीं करना, फिर बस हो जाएगा फॉर्मूला. A 20th लिखाना है तो लास्ट से 20th लिख देंगे उसको. ओके गॉट इट, तो आज के लिए इतना रखते हैं बट आज आई एम नॉट फीलिंग फाइन. ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं.